barefoot, through the bazaar, and with the same indolent grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not ripple in her tread, watching her cross erect stones, garbage, excrement, and crumbs of glass in the Karachi slums. I with my stoop reflect, they stand most straight who learn to walk beneath the weight. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Sindhi Woman, poem number 6 है और ये जॉन स्टॉलवर्दी ने लिखी है और ये बहुत अच्छी और आसान पोएम है. क्वेश्चन और आंसर भी इसके और उर्दू तर्जमा भी दिया जा रहा है. बहुत ही अच्छी वीडियो है और ज़रा देख लें बस. मेहरबानी, शुक्रिया. Barefoot through the bazaar, नंगे पांव बाजार में से, and with the same undulant grace, और undulance mean जिसमें कोई लहर ना हो या इधर उधर ना हिल रही हो, सीधी हो, चाले मजयन और हमवार के साथ. With the same undulant grace as the cloth blown back from her face. और उसके चेहरे से पीछे हट रहा था उसका दुपट्टा, उसका कपड़ा. She glides with a stone jar high on her head. पत्थर का जार उसने अपने सर के ऊपर रखा हुआ था. And not ripple in her tread. और रिपल का मतलब है लहर, इधर उधर होना, लहर. और ट्रीड मीन चाल, उसकी चाल में कोई लग्जश नहीं थी, कोई लग्जश नहीं थी. वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, मैं उसे देख रहा था सीधा जाते हुए. इरेक्ट मीन सीधा. Stones, garbage, excrement and crumbs of glass in the Karachi slums. Karachi ki kachi abadi, patthar, kachra, gandagi, shishe ke tukdon mein se wo guzar rahi thi aur main dekh raha tha ki wo bilkul seedhi ja rahi thi. I with my stoop, मैं अपनी झुकी हुई कमर के साथ, स्टूप, रिफ्लेक्ट दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट. मैंने गौर किया, मैं गौर करता हूँ. वो हमेशा सीधे खड़े रहते हैं. उलन ठुवाक बिनेथ वेट, जो वजन के नीचे चलना सीख लेते हैं, यानी परेशानियों में ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं और हर परेशानी का बहादुरी से मुकाबला करते हैं, वही लोग सीधे रहते हैं और वही लोग आगे बढ़ते हैं. पहला स्टैंजा जो पढ़ा उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है. These lines present the portrait of Sindhi woman passing through a bazaar in a beautiful manner. ये लाइनें पेश करती हैं तस्वीर को, एक सिंधी औरत की जो कि गुजर रही है बाजार में से, beautiful manner, बहुत खूबसूरत अंदाज में. She is barefooted. Barefooted mean नंगे पाँव, यानी जूता नहीं है उसके पाँव में. And carry a stone jar on her head. और एक पत्थर का जार उसने अपने सर पर रखा हुआ है, ले जा रही है. The wind removed the cloth from her face, but she looks regal in her stance. और कपड़ा उसके चेहरे से हटता है लेकिन वो दिखाई देती है बिल्कुल दुरुस्त सीधी. शी कैरीज ए हैवी लोड,
काफी वजन उठा कर ले जा रही है, येट वी फाइंड रिदम एंड रेजोल्यूशन इन हर वॉक। और एक रिदम है, एक बकायदा जैसे मौसीकी होती है, और एक रिदम है उसकी चाल में, और पुख्ता इरादा नजर आता है उसकी चाल में। द पोएट प्रेजेस हार्ड वर्क, द पोएट प्रेजेस हार्ड वर्क, मेहनत की तारीफ करता है, मेहनत की अजमत को उजागर करता है। ही पेज ट्रिब्यूट टू सिंधी वोमैन, खराज तहसीन पेश करता है सिंधी औरत को, हु आर एनर्जेटिक एंड डिटरमाइंड, जो पुख्ता इरादा और बहुत ही जफाकश होती हैं। इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ वर्क दैट कीप्स अ मैन गोइंग, ये बरकत है काम की कि इंसान आगे बढ़ता है। ही प्रेजेंट दैट द गेट ऑफ अ वोमैन इज एलिगेंट एंड स्मूथ, और वो ये बात भी पेश करते हैं कि उस सिंधी औरत की चाल बहुत ही शानदार और सीधी है। नथिंग डिस्टर्ब्स हर पीसफुल वॉक, उसकी पुर अमन चाल को कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती। परहैप्स हर डेली लेबर हैज मेड हर स्ट्रॉन्ग एनफ, उसकी डेली मशक्कत ने शायद उसको इतना मजबूत कर दिया है ना टू बी कंफर्टेबल विद दिस ऑडियस वर्क, इस मुश्किल काम में भी वो अपने आप को बहुत ही खुश पाती है। हर वर्क हैज प्रूव्ड ए ब्लेसिंग टू दिस गाइस, और दूसरी शक्ल में उसका काम उसके लिए रहमत है। द वर्ड्स अंडुलेंट ग्रेस एंड नॉट रिपल इन हर टीड इंडिकेट्स हर ग्रेसफुल वुमैन, और ये अल्फाज जो एंडुलेंट ग्रेस और एक लहर की सी शान शौकत, एंड नॉट रिपल और ना ही लग्जश है उसकी चाल में, ये अल्फाज जाहिर करते हैं उसकी अजीम शान औरत होने के बारे में। बहुत अजीम करदार की मालिक औरत है। दूसरे स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन इस तरह है, द पोइट ऑब्जर्व ए सिंधी वोमैन वॉकिंग ऑन ए स्टोन, और शायर देखता है मुशाहदा करता है कि सिंधी औरत चल रही है पत्थरों पर, गार्बेज कूड़ा करकट एंड पीसेज ऑफ ब्रोकन ग्लास टूटे हुए शीशे पर, शी इज डिटरमाइंड टू रीच हर डेस्टिनेशन, और पुख्ता इरादा रखती है और अपने मंजिल तक पहुंचने का, डिस्पाइट बिल्ड हर्डल्स बिफोर हर, और उस में हालांकि उसके रास्ते में हर्डल्स भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं। She is so poor that she cannot buy new shoes. वो इतनी गरीब है कि नया जूता नहीं खरीद सकती। But still rich in metal, लेकिन सेहत के लिहाज से अभी भी वो अमीर तरीन, खुशी के लिहाज से, सेहत के लिहाज से अमीर तरीन खातून है। The slums of Karachi present a very miserable picture. और जो मजाफाती इलाके हैं कराची के, बहुत ही मायूस कन तस्वीर पेश करते हैं। ए बिग सिटी हैज़ नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, एक बड़ा शहर है लेकिन सफाई का मुनासिब इंतज़ाम नहीं, ना पब्लिक हेल्थ का कोई अदारा काम कर रहा है। द पोएट बिकम्स सैड, शायर बड़ा अफसुरदा होता है। टू एक्सपीरियंस ऑल दिस एंड विजुलाइज, ये सारी चीज़ें उसके तजर्बे में आती हैं और वो ये चीज़ देखता है, विजुलाइज करता है, तसव्वुर में, दैट ही हैज़ ग्रोन ओल्ड
वो बूढ़ा हो गया है एंड कैन नॉट वॉक स्ट्रेट, और सीधा नहीं चल सकता। हिज ड्रूपिंग थ्रीड मेक्स हिम थिंक इवन मोर, और उसकी कुबड़ी चाल, टेढ़ी चाल उसको और चीज सोचने पर मजबूर करती है। ही गिव्स अस द मैसेज दैट ओनली दोज पीपल हु कैन बियर द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। शायर हमें ये मैसेज देता है, पैगाम देता है कि वो लोग हु कैन बियर द डिफिकल्टीज ऑफ द लाइफ ब्रेवली, जो कि बहादुरी के साथ मुश्किलात का मुकाबला करते हैं, बिकम सक्सेसफुल, वही कामयाब होते हैं। ही सम्स अप दैट दोज हु कैरी द बर्डन ऑफ लाइफ, और वो मजीद इस बात को मुखसर करके बताता है कि जो जिंदगी का बोझ विदाउट एनी मर्मर, बगैर किसी चूचरां के उठा लेते हैं, रियली रिस्पेक्टेबल स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, बड़े मजबूत बाइज़त लोग होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट डज द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सीज द वुमन, जब औरत को देखता है तो क्या सोचता है, जब शायर औरत को देखता है। व्हेन द पोएट सीज द वुमन, जब औरत को देखता है शायर, ही थिंक्स दैट दोज हु कैरी द बर्डन ऑफ लाइफ विद स्माइल ऑन देयर फेस आर स्ट्रांग एंड स्टाउट, जो मुस्कुराहट के साथ जिंदगी के बर्डन को उठाते हैं वो मजबूत होते हैं। दोज हु आर ट्रू टू देयर ड्यूटीज डिजर्व ए प्रेज, और वो लोग जो अपनी फराइज के साथ मुखलस हैं वो ही तारीफ के काबल हैं। वट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, द पोएम इन फैक्ट इज ट्रिब्यूट टू स्ट्रगल, और मेहनत और जद्दोजहद को एक खराज तहसीन है ये नज़म। द पोएट एडवाइजेज अस, शायर हमें नसीहत करता है, दैट वी शुड रिलाई ऑन आवर ओन इनहेरेंट स्ट्रेंथ, जो हमें ताकत मिली है उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग हेल्प फ्राम अदर, सिवाय इसके कि हम लोगों से नफ जो है वो मदद करते फिर मांगते फिरें। इन शॉर्ट द पोएम गिव्स अस ए मॉरल लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, मुख्तसर तौर पर नज़म जो है हमें एक सबक भी देती है सेल्फ रिलायंस का, और अपने ऊपर खुद इंसारी का। खुद इंसारी से चलो भाई, अपने पाँव पे चलो, अपने कुव्वत बाजी पे चलो, कोई अंदाज़ा कर सकता है। वट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स डू यू गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम, कराची के स्लम्स का क्या नक्शा बनता है जब आप ये नज़र पढ़ लेते। कराची स्लम्स की वे वेरी शेबी एंड डिसमल पिक्चर, बहुत ही मायूसकन तस्वीर सामने आती है ऑन द होल, मजमूरी तौर पर। वी फील फॉर द पुअर हु ड्वेल इन दीज स्लम्स, और वो गरीब लोग जो इन मुजाफती आबादियों में रहते हैं, येट आर हार्ड वर्किंग, हालांकि मेहनती लेकिन गरीब हैं। हाउ हैज़ द पोएट डिपेक्टेड द पर्सनैलिटी ऑफ सिंधी वोमैन, किस तरीके से शायर तस्वीर कशी करता है सिंधी वोमैन की शख्सियत को। अ सिंधी वोमैन इज बेयर फूटेड, नंगे पांव जूता बेचारी के कदमों में नहीं, शी वॉक्स मजेस्टिकली थ्रू द बाजार, और वो बहुत ही शानदार तरीके से चलती है बाजार में। वी फाइंड रिदम इन हर वॉक, और हमें उसकी वॉक में ताल मिलती है जो म्यूजिकी के साथ चलती है। विच कैन बी नोटेड इन मूविंग बॉडी एंड वेविंग ड्रेस,
जो कि उसके हलते हुए जिस्म और वेविंग ड्रेस जो हलते हिलते हुए लबास के साथ उसको पैदा होती है। शी इज कैरिंग ए जार ऑन हर हेड और उसने अपने सर पर जार उठाया हुआ है। एंड इज प्रेजेंटेड हेयर ए सिंबल ऑफ हार्ड वर्क, जार भारी बोझ यहाँ पर अलामत है। वट आर द क्वालिटीज ऑफ सिंधी वोमैन, सिंधी वोमैन की खसूसियात क्या हैं? सिंधी वोमैन इज ए हार्ड वर्किंग वोमैन। सिंधी खातून जो है वो मेहनती है। शी वॉक्स ग्रेसफुली विद द हेड इरेक्ट, सीधा सर रखकर बड़ी शान शौक से चलती है। दो शी वॉक थ्रू स्लम्स, वो चल कर जाती है और मसाफती इलाके से। एंड इज कैरिंग ए जार ऑन हर हेड और उसने एक जार भी उठाया हुआ है अपने सर पर। देर इज नो रिपल इन हर वाक, लेकिन उसकी वाक में चाल में कोई लग्जश नहीं है, कोई खम नहीं है। बरे मियाँ यूट्यूब चैनल प्रेस सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट टीचेस ओनली English to the poor students who have no money to go on different tuition centers. Here the education is free, totally free. Only you must have a connection via Wi-Fi with your phone or laptop or desktop. थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ ख्वातीन की बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है और हमें अपनी ख्वातीन को इज्जत और तकरीम देनी चाहिए। हमारे प्यारे पाकिस्तान में उनका बहुत अहम रोल है। औरत सिंध की हो, पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, सरहद की हो या कश्मीर की हो, औरत दुनिया के अंदर एक रौनक और खूबसूरती का जरिया होने के साथ साथ इस दुनिया की अजमत और ग्रेस और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का सबब भी है। अल्लाह ताला हमें अपनी माओ बहनों बेटियों अपनी बीवियों के हकूक़ पूरे करने की तौफीक उता फरमाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर।